वेलकम बैक एवरी वन टू अनदर पॉडकास्ट आई होप के आपने पिछले वाले सारे पॉडकास्ट देख लिए सुन लिए स्पॉटिफाई पे आई नो अभी पॉडकास्ट का चल रहा है फिलहाल तो वी विल कंटिन्यू विद द पॉडकास्ट फॉर सम टाइम एंड फिर हम देखेंगे कि क्या करना है बहुत कुछ प्लान है बहुत कुछ आगे डिस अनाउंस करना है डिसीजन uh, भी लेना है ऑफकोर्स एंड करके आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बट पर एज यूजल अभी हम uh, तीनों बैठे हैं ऑफ कोर्स एंड बैठे हैं तो मतलब कुछ तो डाइसेक्ट करने वाले हैं एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 15 एपिसोड्स के uh, हम कुछ ऐसा डाइसेक्ट करने वाले हैं जो कि पहले नहीं किए बट ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने डिमांड किया था बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि वी शुड डू इट पता नहीं कैसे होने वाला है क्योंकि अब अब देख लेना जैसा जो भी है हम लोग डाल तो देंगे ही बट uh, वही है सीन uh, आज हम डाइसेक्ट करने वाले हैं द हॉन्टिंग्स ऑफ एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन एलिजली द भांगड़ फोर्ट एंड बहुत सारी स्टोरी हैं बहुत सारी कहानियां हैं एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के कुछ क्लेम्स हैं कुछ एलिगेशंस uh, हैं बहुत कुछ है ये जगह को लेके एंड फॉर सम रीज़न सम कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है ये जगह बट बिफोर वी डाइसेक्ट आई माई नेम बी सरबजीत दिस इज पूजा एंड दिस इज साफ यो एंड वी आर द इन्वेस्टिगेटर्स आई के डिमोनोलॉजिस्ट ऑफ द पैरासाइकोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेशन इज अ सोसाइटी और जैसे आप लोग जानते हो घोस एंड काउंट इज टीम एंड वी इन्वेस्टिगेट हॉन्ड्रेड लोकेशन एंड द क्लेम्स ऑफ पैरानॉमल बट हम ऐसे केसेज भी डायसेक्ट करते हैं फेमस इन फेमस केसेज जो कि मीडिया नहीं दिखाती है जो कि बाकी मेन स्ट्रीम साइंस आपको नहीं बताती है वो आपको यहाँ पर पता चलने वाला है एंड दिस इज वॉट इट इज़ घोस एंड काउंट इज अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट एंड एज़ यूजल इन एवरी पॉडकास्ट मैं क्या करता हूँ मैं एक केस फाइल लेता हूँ एक केस लेता हूँ वो केस को मैं एज़ इट इज़ वर्ड बाई वर्ड पढ़ता हूँ ताकि आप और हम सेम पेज पर रहें कोई भी इंफॉर्मेशन इधर उधर नहीं हो गेसेस के ऊपर नहीं हो डेट अगर कुछ है तो डेट एग्जैक्टली exactly वही होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट किया गया है नॉट लाइक अरे मेरे को लगता है शायद अब होगा नहीं फिर कुछ फ़ायदा नहीं है राइट सो यू डायसेकट विथ अस आप हमारे साथ डायसेक डायसेकट करो कि चीज़ें क्या है क्या नहीं है एंड जो केस फाइल मेरे को मिला है वो मिला है डायरेक्टली फ्रॉम राजस्थान टूरिज्म का ऑफिशियल वेबसाइट सो इफ समवन इज वाचिंग फ्रॉम राजस्थान टूरिज्म और समवन हु नोज राजस्थान टूरिज्म प्लीज अस गेट परमिशन टू इन्वेस्टिगेट एट नाइट वी वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट बट दिन में यार जाकर फायदा नहीं है यू विल अंडरस्टैंड वाई वैन वी स्टार्ट आईसेप्टिंग द केस बट येस इफ यू आर वॉचिंग वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सो so, ये जो चीज़ है ये पूरा इंग्लिश में होने वाला है बिकॉज दैट्स हाउ द केस फाइल हैज़ बिन रिटन एंड फॉर पीपल हु विल कमेंट कि अरे हिंदी में क्यों नहीं लिखो अब जब गवर्नमेंट ने ही इंग्लिश में लिखा है अब उसको हम क्या कर सकते हैं ना सो विल गो बाय जैसा जो भी है द ग्रीन हिल्स ऑफ अरावलीज स्टैंड द मैग्निफिशेंट फोर्ट ऑफ भांग द फोर्ट ऑफ भांग इज लोकेटेड फिफ्टी किलोमीटर्स फ्राम द सरिस्का सेंचुरी बिटवीन द सिटी ऑफ जयपुर एंड अलवर And the fort was constructed in the 17th century by Raja Madho Singh, the younger brother of the great Mughal general Man Singh of Amber. Besides the royal palace, Bhangarh had over 9000 houses until 1720, after which it gradually diminished in population. The Bhangarh fort along with whole township was protected by three successive fortifications and five massive gates. The fort houses remnants of grand havelis, temples and deserted marketplaces within its premises. Indicating the fort's prosperity in its heydays. Thought to be a haunted uh, place, Bhangad nevertheless attracts hordes of uh, tourists owing to its serene atmosphere, picturesque aravalli mountains, and the architecture marvel that it is. Now, inside the Bhagad fort uh, premises, one can find ruins of temples, palaces, and havelis. The fort has four entry points in addition to the main gate the Lahori gate, the Ajmeri gate, the Fulbari gate. And the delegate. The fort, although in ruins, still looks majestic and exudes uh, exudes a sense of calmness to the augment to the green surroundings. At the fort's main entrance, there are a number of Hindu temples. The prominent temples are Gopina Temple, Someshwar Temple, Kesavray Temple, Mangla Devi Temple, and Ganesh Temple. These temples are a sublime example of the architecture and workmanship of the 17th century. All the temples are in the Nagara style of architecture. There is also the Gopina temple, which is built above a 14 feet raised plinth with exudes, uh, with uh, beautiful carvings done on the stones. The temple complex also houses the residence of the head priest called the Purohiji Ki Haveli. Inside the fort precincts, there are a number of grand Havelis in ruins. Prominent among them is the Natakyon Ki Haveli, which was the house of the dancing girls this is also there's also a marketplace with ruins of the royal palace standing at the extreme end of the forts limit the royal palace is said to have seven storey however now only four of it remains bangal fort is considered to be one of the most haunted places in the world and considered to be Asia, one of the, the number one in Asia, and is said to be cursed, haunted uh, by a lot of things. There are several legends associated with the fort, but there are two which are rather more popular as compared to others and amongst the local population. The first legend legend is that of a sadhu named Baba Balloonath. Uh, long before the king madhav singh decided to construct a fort in bhangarh the area was a meditating spot for baba balunath the sadhu gave his permission for the construction of the fort on the condition that fort or any building with, within shouldn't be taller than his house and if the shadow on any structure fell upon his house it would result in the annihilation of the fort town ajab singh the grandson of madhav singh is said to have ignored this warning and greatly raised the height of the fort the resulting shadow falling on the sadhu's home, leading to the destruction of the town. The other legend is associated with Princess Ratnavati, who was very beautiful and had a number of suitors from the royal families of the country. A wizard adept in black magic fell in love with princess as the princess went shopping with her wiz with friends. One day, the wizard saw her buying ether and replaced the itha with a love potion the princess however came to know of the wizard's trickery and threw the potion onto a boulder nearby this resulted in the boulder rolling towards the wizard and crushing him to death but before being crushed to death he cursed the city stating that it would be destroyed soon and no one would be able to live within its precincts the kingdom was later sacked by invading mughal forces Killing all the inhabitants of the fort along with Princess Ratnavati, as it is considered a haunted place, the Bhangar Fort remains out of bound for visitors before sunrise and after sunset. And I believe this last line is nothing but an exaggerated version of what actually happens out there. To start off with, like to see a sentence like this on on, on a government portal, K uh, sunrise and sunset. सनराइज़ के पहले एंड सनसेट के बाद एंट्री मतलब एक गवर्नमेंट पोर्टल में देखना कि सनसेट के पहले एंड सनसेट uh, के पहले बाद में एंड सनराइज़ के पहले अलाउड नहीं है इज़ एक्चुअली वेरी क्या बोलते हैं उसको मतलब इंग्लिश में बताएं तो मिस इंटरप्रिट होता है अच्छा खासा क्योंकि लोगों के हिसाब से क्या है कि अरे नहीं नहीं गवर्नमेंट ने लिखा है मतलब ये तो पूरा हॉन्टेड है दिस इज़ द फर्स्ट

दिन में, में दिन में मेला, मेला। हम तो जब गए थे इट वॉज अ मेला मीन्स इतने लोग कि इट्स एक्चुअली हॉन्टेड बाई पीपल भूत विल बी लाइक ब्रो निकलते हैं यहाँ से क्योंकि अभी इतने सारे अगर एक एक अब जैसे कि सी अगर आप कोई भी पोर्टल ओपन कर लो पोर्टल क्या है जस्ट गो टू गूगल एंड आप गूगल में जाके अगर आप सर्च करोगे द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया देर विल बी आई थिंक एटलीस्ट 2 लाख टू 3 लाख रिजल्ट्स इन 0.20 सेकंड्स स्टेटिंग भांगड़ इज द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है भांगड़ में क्योंकि अगर आप किसी को मोस्ट हॉन्टेड का टाइटल दे रहे हो देयर मस्ट बी समथिंग जो ने, कि ने, वहां ने, दूसरी जगहों पे नहीं होता नहीं वो बात भी तो सेकेंडरी है पहली बात ये कि रैंक दे कौन रहा है <laughs> नहीं मैं वही सोच रहा था कि मोस्ट हॉन्टेड का मतलब क्या है मोस्ट हॉन्टेड का मतलब क्या मीन I एज mean, mm -hmm. भारी तादाद में वहां पर भूत एग्जैक्टली क्राउड है है mm -hmm. exactly right? है वो है कि कि वहां वहां पर पर क्या हो रहा एक्टिविटीज हाइटेंड है एग्जेक्टली exactly क्या है आई I मीन mean, mm -hmm. इक्के दुक्के किस्से हैं वहां के, ah. के जो रात के जो लो लोग गए हैं आई मीन ये जो डायरेक्शन को ये भी लांग के एग्जैक्टली वहां पर गए रात को और उनके साथ जो भी कुछ बुरा हुआ है दैट कुड बी अ मैटर ऑफ को राइट और इन्होंने उसको कनेक्ट करके बताया नहीं यार ये तो टॉच के होते हुए भी हमको वो बाउडी नज़र नहीं आई हम उसके अंदर घिर गए वो उनकी गलती है नहीं गलती भी है फिर सेकेंडली कैसा होता है ना कि राइट नाउ हॉर इज़ अज लाइक लाइक मतलब हॉरर फिलहाल ना ऐसा आई थिंक इन अयर और टू हॉर इज़ गोइंग टू बी अ मेन स्ट्रीम जॉनडर इन द वर्ल्ड एंड एस्पेशली इन इंडिया and that's why you see so many of these podcasts also talking on horror things so many reels like I remember jab hum log reel banate the koi bhi nahi tha horror mein yeah. but yeah. now everyone is making a reel there is always a new haunted location popping up in Mumbai कहीं uh, ना कहीं कहीं ना कुछ story निकल के आती है no one knows के घर कहाँ पे but Mumbai में वो एक घर था वहाँ पे ऐसा चीजें हुई थी लेकिन address कहाँ है भाई अरे नहीं भाई तो हमने story Everyone is making हाँ. a reel and at least one person is tagging us in every reel <laughs> और हाँ एग्जैक्टली exactly, हमको टैग किया जाता है कि भैया ये देखो हाँ, ये, रे, ये रेलवे स्टेशन के हाँ। पीछे वाली जगह ये सड़क और वो ये और ये सब रील्स के ऊपर कोई ना ना कोई कोई तो एक बंदा रहेगा गांड फटी बटन <laughs> और तुम्हारी इतनी फट रही है तो अभी तक तुमको पाइल्स होना चाहिए था अरे वो एक है और और एक कॉमन कमेंट पता है क्या होता है कि ये ये सारे रील्स रात के तीन बजे क्यों रेकमेंड होता है

फोर्ट में बैठा हूँ वहाँ पे तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न के लोग जाते हैं दूसरी चीज़ क्या है कि एज अ रिजल्ट फॉर दैट एक तो जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के ऑफिशियल टूरिज़म वेबसाइट पे यह है बट अगर आप उधर भी जाके उनके केयर टेकर को फॉर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक पेयर्स अगर आप बोलोगे कि सर हमको एक घंटा अंदर चाहिए बिकॉज इतने जो कहानियां हैं इतनी जो स्टोरीज हैं हमको इन्वेस्टिगेट करना था पता करना था कि सच्चाई क्या है क्योंकि फिलहाल जो भी है या तो लोग थ्रिल के लिए जा रहे हैं नहीं तो डर के वजह से नहीं जा रहे हैं और कभी नहीं जाएंगे एंड की इवन राइट नाउ नाउर सो मेनी फिल्म मेकर्स हमेशा उनका एक ही बात रह गई और भांगड़ जैसा एक स्टोरी चाहिए अपन को mm. सच्चाई कुछ नहीं है तो राइट नाउ इट्स लाइक कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ सुपरस्टिशन आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट हॉन्टेड हॉन्टेडेड है पक्का है हम लोग आए हम लोग को फील हुआ है आई नो इट्स हॉन्टेड बट टू स्टिक टू द सेम क्लेम क्योंकि अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम लोग का अगर हम बात करें आई थिंक वॉट इज एट वन लोकेशन जो हम दो तीन बार जा चुके हैं um, अभी हम गए थे ना एंड वी वेर लाइक कि यार इधर तो हम <coughs> कितनी बार आ चुके हैं एक महाबलेश्वर है महाबलेश्वर का वो घर एग्जैक्टली गुड गुड पॉइंट Uh, ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो अनाउंसमेंट के बाद आएगा बट जस्ट फॉर अ सैम्पल ऑफ वॉट वॉट एवर वी हैव शेयर्ड कि एक साल पहले

में कुछ मुझे ऐसा मिला और ना कुछ एंड देखा जाए ना अगर आप देखोगे हर एक फोर्ट में एक ना एक कहानी होती है कि किसने कुछ कर्ज डाला है करके वो तो वही दैट डजंट मेक इट वेरी डिफरेंट और वो तो स्वाभाविक है बिकॉज़ हर जगह पे जहां पर किलिंग्स हुई है मर्डर हुए हैं और जहां पर तख्त का जो आई मीन बैटल था तो मतलब। राइट तो यहां पर भी वही ही था ना कि जैसे वो आई गेस इट वाज अजब सिंह समाज राइट उसने जाके hmm. yes, yes, हाँ. तो, hmm. तो वो तो आई I मीन mean, वो curse तो रहना ही है राइट right. बट ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर curse नहीं हुआ है हमारे आस में अपनी families में देखो आसपास में अपने रिलेटिव में देखो कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा जिसने किसको ना किसको तो कर्स आ, करके आ, रखा हुआ है उसका ये मतलब है कि वहां पर कोई बसे नहीं आ, आ, अरे और जो क्लेम्स हैं पैरिशियंस और आवाजें और शैडो फिगर्स वो तो मुझे मेरे घर में भी दिखी थी जब वहां हुआ था ओज हाउस द मोस्ट हॉन्टेड थिंग इज कि जैसे कि <laughs> अभी आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर क्लेम जो कि इधर भी था बिकॉज ऑफ इट्स हॉन्टिंग्स

आई थिंक दिस इज द राइट मोमेंट टू टॉक अबाउट द चैनल मेंबरशिप और बींग सुनिमा आज आपको पता है कि हमने चैनल मेंबरशिप चालू किया है एट ओनली रुपीजन गिव अवेड एंड ग्रीट एंड लॉड ऑफ अदर थिंग प्लान फॉर द सुपर एनिमाज इट इज राइट देर आप अगर नीचे देखोगे आपके स्क्रीन में जॉइन बटन अगर आपको नहीं दिख रहा है देन इन द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट लिंक इज टू जॉइन द चैनल जॉइन बी अपर एनिमा जोन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कोई नहीं किया जाएगा क्योंकि में है, अगर आप अंदर घुसने की कोशिश करोगे क्योंकि पुराने इलेक्ट्रिसिटी चीजें नहीं है कुछ नहीं है फॉर दैट मैटर अगर आप ग्वालियर फोर्ट भी जाओ ग्वालियर फोर्ट में वहां पर लाइट एंड साउंड शो होता है ब्यूटिफुल शो होता है मैंने देखा पूरा हिस्ट्री ऑफ द एंटायर फोर्ट सब कुछ बताया जाता है उसमें भी इवन दो बाहर लाइट्स वगैरह है आपको फोर्ट के अंदर जाने के अलाव नहीं करेंगे वो बट देर आर नो स्टोरीज के ग्वालियर फोर्ट इज हॉन्टेड

लेकिन रात को फिर भी अलाउड नहीं होता था जो की ए कि आई के अंडर है कुछ कुछ जगह पे आपको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो रूइंस में चीजें गिर सकती हैं कभी भी गिर सकता है yeah. इतने पुराने एक तो फॉर एग्जांपल ये ये फोर्ट अगर 1700 सो सौ शताब्दी में हुआ था जो भी टाइम पे टाइम लिमिट में हुआ था ये अगर तबका है मतलब का वेदरिंग पूरा एकदम रेन सब कुछ तो अंधेरे में ऐसा पोक करो कुछ ना कुछ गिर hmm. so, exactly, exactly. हाँ, well जाएगा तो हो गया सो आई थिंक इवन आई पोर्टल शुड रिमूव दैट पर्टिकुलर लाइन बिकॉज स्प्रेडिंग मोर ऑफ

में नहीं जाए I mean, फिर कैसा है कि भांगर जैसा प्लेस भी है ना जो एरिया में इट्स लाइक like, ऐसा लाइक like बीचो बीच है हाँ, it... exactly. हाँ. <laughs> uh, नजदीक में ही है वो वहाँ पर बाहर गाँव है हाँ, जो के भी थोड़ा सा दूर है वो गाँव

नहीं में हाँ. स्टोरीज भी वही मैंने ओ, बोला एनी ट्रूथ अगर आप उसको फैलाओगे देर विल बी वन पॉइंट जहां पे रियालिटी एंड सुपरस्टिशन में कोई अंतर नहीं रहेगा दे विल मच दैट इज ब्लंडर बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन डू टू और टू स्टोरी द बेस्ट थिंग इज कि हमको परमिशन दे दो <laughs> हम इन्वेस्टिगेट करेंगे exactly. और फिर बताएंगे कि सच्चाई क्या है बट एक बात बोलो लेकिन फिर भी अगर हम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं तो इतनी आई I मीन mean, कितन, कितना कितना पॉसिबिलिटी है कि हमको वो ओरिजिनल मिलेंगे पे ऑलरेडी फैल मतलब चुकी, हो हो चुकी है आपको ऐसे लगता है कि वो आज तक वहां पर रहेंगे हाँ कर्स का पता नहीं है अगर कर्स हो कर्स, तो शायद से शायद से हो लेकिन वो कर्स भी क्या बोलता है इसी इसके कोई भी घर के ऊपर या कोई भी बिल्डिंग के ऊपर छत

It was a mela यार mela? मेला से ज़्यादा uh, क्योंकि uh, जितना भी मैं पढ़ा है बांगर के बारे में it's in every season, वहां पर लोग जाते ही हैं hmm. लोकल्स भी जाके ऐसे टहल के आते हैं वहाँ पर भी थे हाँ, हाँ। ग्वाले थे जो जो अपने बकरियां वगैरह जो भी चरने गए थे वहाँ पर और बहुत से लोग बाकी भी जा रहे हैं टूरिस्ट का तो आ, आना जाना रहता ही है एक्सेप्ट फॉर प्रोबेबली रेनी सीजन मानसून में शायद से बारिश में नहीं जाते जाते होंगे बरसात में लेकिन बाकी सब टाइम पे हमेशा जा रहे हैं लोग आ, दिन वहाँ में। वहाँ पे तो लोग रिचुअल्स वगैरह भी स्टार्ट कर चुके हैं ओरिजिनल तो. एंटिटीज, एंटिटीज एक्चुअली चैनल करना ट्यून करना बहुत मुश्किल होगा वहां पर और एक दूसरी बात वहाँ पर यह है कि वो सरस का टाइगर रिजर्व है उसके पीछे हाँ। तो वहाँ से जैसे बोलते हैं इवन I mean, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी क्या बोलते हैं कि रात को वो लोग हाँ। आते हैं टाइगर्स हाँ। आते हैं और दूसरे जानवर भी आते हैं जो ज जंगली जानवर भी आते हैं तो उससे आपके लाइफ को ज्यादा खतरा रहता है तो इसके लिए आप नहीं जाना रात को मैं पूछ रहा हूँ कितना सच होगा ये कि दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द कर्स कि रात को वहाँ पर गार्डिंग इट They're guarding it, hmm. and that is the the actual spirit of the land. great ah. oh. great point. Actually. Great point. Actually, Actually, nice. Hmm. possibility आप घर भी नहीं बनाओगे राइट hmm. right. क्योंकि यहाँ पर जो भी आ, कोई वाइल्ड लाइफ रिजर्व के आसपास में रहता है लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा भी घर जो है पीछे नेशनल पार्क है ah. तो एवरी नाउ एन देन वहां पर तेंदुए का अटैक का ah, हमेशा न्यूज आती है कि किसका बच्चा उठा के गया या तो कुत्ते उठा के लेके गए या बिल्लियाँ गई एंड ऑल वो अटैक्स के ये होते हैं संभावना होते हैं फिर भी यहाँ पर चलो ठीक है यहाँ पर कैसा एक अर्बन एरिया बनता है शहरी एरिया है तो हम मैनेज कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर अगर समझो ऐसा कुछ हो गया एक जन ने जाके उधर पर रहने की कोशिश की और उसके ऊपर अटैक हुआ वो रात को लेके कहाँ जाएगा आसपास में कोई हॉस्पिटल भी तो नहीं है वही ना वही मैंने बोला कि वो ऐसा अजीब सी जगह में प्लेस्ट है गांव जो पास में है हमको तो हॉस्पिटल दिखा भी नहीं हॉस्पिटल आई थिंक द एंटायर रोड टू भानगढ़ इज लाइक मिराज और याद है वो हम लोग होटल एक पॉइंट करके गए थे कि रिटर्न <laughs> करते हुए तो हम लोग लंच करेंगे वो होटल मिला ही नहीं वो खेत में था <laughs> 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 तो वो भानगढ़ से आते हुए था यस 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 भानगढ़ से रिटर्न के टाइम पे ही था ना वो पूरा रिव्यूज के साथ फाइव स्टार्स के साथ सब था उसपे उसमें भी चार सौ रेटिंग थे होटल ही नहीं बट वही है मतलब अभी हम हम लोग भी जब गए थे uh, you uh, yes, क्या uh, मुझे ये था कि वहाँ पर uh, जो एंटिटीज हैं दे विल मैनिफेस्ट यूजिंग ऑर्गेनिक मैटर अच्छा। जो हम बात करेंगे तो शायद गैजेट्स के ऊपर नहीं आएंगे और हम लोग काफ़ी कुछ मशक्कत की थी कि वो गैजेट्स के ऊपर आकर रीडिंग करें बट वहाँ पर गैजेट्स के ऊपर आकर रीडिंग नहीं करेंगे उनके जो कर्सेस हैं उनके जो उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो बीस या तो आवाज़ें होके ही आएंगे एंड वर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज हम जो गए थे वो महंतों का की हवेली कुछ तो थे वो राइट पुरोहित पुरोहितों का हवेली तो वो इतने खुश नहीं थे कि लोग वहां पर आ रहे हैं और वहां पर इतने गंदगी मचा से रहे मचा रहे हैं कि जैसे कि ग्राफिटी हो गया जो सबसे गंदी चीज है आप करने के लिए और फिर पीना हो गया या तो ड्रग्स वही है ना अगर आप देखोगे ये सारी जगह जहाँ पे पाबंदी है आफ्टर सनसेट वहाँ पे बियर बोटल हमेशा मिलती है तो कोई ना कोई तो घुसता ही है हाँ। कॉमन मैन जिसको एक्चुअली जाने का मन है वो नहीं जाता है पर जिसको पीना है वो अंदर जाके पी के आता है uh -huh. कुलधरा में भी हमने देखा भांगड़ में भी हमने देखा एवरी प्लेस यहाँ पे छह बजे के बाद अलाउड नहीं है वहाँ पे कुछ ना कुछ मिले ना मिले बियर बुटा हमेशा, हमेशा मिलेंगे और उनको ये पता नहीं है चलो वो लोग जाके पी के आते हैं और वो लोग बोलते हैं यार हमको तो कुछ महसूस नहीं हुआ उनको ये आभास नहीं होगा उनको ये महसूस नहीं होगा कि जो डिमोनिक अटैक उनके ऊपर हो रहा है या जो उनके ऊपर आ रहा है पोजेशन जो आ रहा है या अटैचमेंट जो हो रही है

मुझे अपनी रीडिंग्स याद नहीं आ रही हैं, बट इतना जरूर याद है कि हमको वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी गैजेट्स पे कुछ भी लाने के लिए लाने के लिए एंड प्रॉब्लम क्या है ना कि कम टू दिस रीडिंग पार्ट एक क्योंकि मेरे को याद आ रहा है हम, हम लोग भी जब इन्वेस्टिगेट uh, कर रहे थे वी कुडर लॉट ऑफ पीपल शाउटिंग इन दिन फोर्ट लोगों में ना कॉमन एक ये नहीं है कि अगर आप किसी के घर में जाओगे तो आप कैसे रैंडमली चिल्लाओगे उधर एग्जैक्टली exactly. आप नहीं करोगे ना तो ये भी भले ही भूत है नहीं है बट वो कभी किसी का घर था एज अ पॉइंट ऑफ रेस्पेक्ट यू शुड एटलीस्ट यू नो वो बेसिक रेस्पेक्ट कि आप जगह को साफ रखो गंदा नहीं करो ग्राफिटी नहीं बनाओ एंड मतलब कि और मतलब मनीष लव्स प्रिया यार किस क्यों आई मीन Why? No one wants to know. और अभी ये location पर अगर आपने अपना नाम अगर कर दिया है तो उसका अलग, अलग, असर हाँ। पड़ेगा हाँ। या, बिल्कुल? इट इज एज गुड एज आप कब्रस्तान में जा रहे हो और वहाँ के जो कब्र है उसके ऊपर अपना नाम लिख के आ रहे हो मतलब आप अपनी खुद की मृत्यु खुद ही चूज कर रहे हो कमिंग और अपने साथ में अपनी गर्लफ्रेंड का भी नाम हाँ मैं मैं people listening, like <स्याग> लेकिन साइंटिफिकली इसका क्या बेस है अभी कैसा है कि लाइक जैसे हम बार बार बताते हैं कि अगर आप कोई जैसे स्पिरिट कम्युनिकेशन होता है आप अगर हम क्यों बोलते हैं कि आप वीजा बोर्ड यूज नहीं करो क्योंकि ये कैसा है ना कि अगर देखा जाए तो स्पिरिट हमारी दुनिया में नहीं रहता है हम स्पिरिट के दुनिया में हैं इन अ वे देखा जाए तो बिकॉज स्पिरिट्स आर काइंड ऑफ इन अ मार्केट सबके नेम में कुछ ना कुछ स्पिरिट्स आते हैं लाइक like अगर आप अपना कोई राहुल कोहली को बुनाने की कोशिश कर रहे हो तो राहुल कोहली हज़ारों हैं स्पिरिट वर्ल्ड में तो देर इज़ नो वे टू कंफर्म के राहुल कोहली आने वाला है वो भी आपका वाला यूजिंग वीजा बोर्ड सेम वे अगर आप कोई हॉन्टेड लोकेशन में जाते हो वहाँ पे आप नाम लिखते हो तो आपकी एनर्जी आप वहाँ पे छोड़ के आ रहे हो एज ए रिजल्ट वहाँ के हज़ारों एंटिटीज देख रहे हैं कि देर इज सम एनर्जी फ्रैगमेंट जो कि है अटैच्ड टू देअर वर्ल्ड टू उनका घर तो अगर उनको अगर आपके पीछे जाने का है आप अपनी एनर्जी छोड़ के आओ लाइक दे कैन ईजिली ट्रेस बैक इसलिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग भी जब जाते हैं हम लोग बैटरी का कवर तक नहीं फेंकते हैं वहाँ पे हम लोग बैग में ही रखते हैं पानी बोतल है तो भी अगर लाइक हमारा पैंट पॉकेट कचरों से भरा होता है अगर हम लोग लोकेशन में पानी वानी लेके जाते हैं तो बिकॉज एवरी एवरी थिंग यू आर टचिंग आप अपनी एनर्जी फ्रैगमेंट छोड़ रहे हो वहाँ पर एंड दैट्स वाई लाइक पूजा से लाइक साहबा भाई सिंह प्लीज डोंट राइट योर नेम्स आपके गर्लफ्रेंड का ने, किसी का नेम किसी भी नाम क्यों लिखना है यार आप प्रोटेक्ट करो ना वो मोनोमेंट को आ, एक अलग तरीके से समझाएंगे ठीक है जैसे कि पूजा भी बोलती है मैं भी बोलता हूं कि व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक होता है डार्क मैजिक होता है वाइट मैजिक भी होता है अब व्हाइट मैजिक मतलब आप कोई मंदिर में गए जहाँ पर एक्टिव मंदिर है या कोई कोई गिरजाघर में गए या कोई भी रिलीजियस साइट पर गए और वहां पर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट अगर पीस ऑफ पेपर पे आप लिख रहे हो और वहाँ पर आप उसकी आहुति दे रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो आप वहाँ पर ऑफ़र कर रहे हो कि यार भगवान मेरा कुछ भला कर लो आप अपना नाम ये इसके साथ ये कर रहे हो कुछ तो ऑफ़र कर रहे हो वहाँ पर भले ही वो नारियल होने दो या मोमबत्तियाँ होने दो या अगरबत्ती होने दो या गार्लेंस होने दो फूल वगैरह होने दो कुछ भी होने दो आप अपना नाम वहाँ पर रजिस्टर कर रहे हो राइट और वहाँ पर जो आएगा जो जो उन्नति आती है या जो आशीष आता है वो आपको ही मिलता है ना किसी और को नहीं मिलेगा नहीं। वो आपको मिलता है क्योंकि आपने अपना नाम रजिस्टर किया है वहाँ पर पंडित जो है जो भी है जो भी है, जो भी है वो जगह पे प्रीस्ट होगा या जो भी है वो आपके नाम से वहाँ पर ऑफर करता है ना उनके चरणों में अर्पित करता है राइट तो वहाँ से जो एनर्जी आ रही है वो क्या है आपको वो एनर्जी में विश्वास है कि हमने प्रे किया तो वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी आ गई आपने घर पर भी मंदिर बना के रखा है आपको उसमें विश्वास है लेकिन ये विश्वास नहीं है कि ऐसे जगह पे जाएंगे तो वहां पर ऐसे लिखने से वहां से कुछ exactly. भी आ सकता है exactly. ये कैसे हो सकता है एंड सेम चीज जगहों पे ऐसे फोर्ट पे ऐसे वगैरह जाके जो पीते हैं hmm. जैसे वसई फोर्ट में भी जब हम गए थे हम हाँ हम वसई फोर्ट गए थे और हम वहां पर अगर इन्वेस्टिगेट भी करना चाह रहे हैं मेरा पर्सनल लेवल पे डर भूत नहीं थे वहाँ पर ये जो पी ए वे सब लोग आते हैं ये सब मेरे डर मेरा डर था वहाँ पे कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है बिकॉज ऑफ दिस जब आप पी रहे हो आप ऐसी जगहों पे हॉन्टेड जगहों पे आप लिटरली आल आप मुझे मार कर रहे हो यू आर ओपनिंग अपना अपनी एनर्जी को ओपन कर रहे हो अटैचमेंट्स ले जाने के लिए ये चीज साव्यो ने भी बताई थी जब हम लोग लोग सिर्फ पीते नहीं है वहाँ पे काइंड ऑफ वहाँ पे एक्चुअली um, कुछ कर Like what hmm. does your uh, psychic last time जब थे, तो हमको Residual बहुत थी, In fact, मैं, जब थी मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था किसी article में लिखा था कि बहुत paranormal investigators and ghostbusters को वहाँ पे वहाँ बहुत weird electromagnetic fluctuations मिले हैं लेकिन हमें तो नहीं मिले नहीं, नहीं नहीं हमको नहीं, तो नहीं हमको नहीं we, हमको मिल रहा तो मिले हम, करना, हम हाँ, तो। मतलब हम एक, एक, करना चाहिए था हम हम नहीं नहीं कर क्योंकि तो। लोग चिल्ला रहे थे उधर खाना बना रहे हैं उधर प्लेट्स में खाना खा रहे हैं इससे पिकनिक स्पॉट वहां पे जो हम लोग गए थे और एक बात बोलू अगर आप वहां पर एक बहुत क्लियर सी बात है अगर आप वहां पर वो डाउजिंग रॉड वाला स्टंट मारोगे ना हाँ। तो स्टंट ही है आप उसको नहीं माने प्लीज हाँ। नहीं मानना क्योंकि डाउजिंग रॉड का क्या सीन है इट्स लाइक अ इडियोमोटर इफेक्ट आपके हाथ से भी वो हिल सकता है हिल आपको लगेगा आपको हाँ आपको नहीं समझेगा

ही इज़ द ओनली वन एंड हीज टीम इज द ओनली वन जो कि आज तक शाम के बाद घुस के किए हैं कैसे मुझे नहीं पता अच्छा हाँ आई डोंट वॉन्ट टू इवन टॉक अबाउट इट यू नो जो कुछ भी है बट आई हैव सीन दैट इन्वेस्टिगेशन एंड एंड फॉर सम रीजन इवन हीज रीडिंग्स आर वेरी मच क्लोज टू वॉट वी आर अज्यूमिंग राइट ना एंड वॉट वी आर से क्योंकि वो भी जब अंदर गए थे उनका भी वही था कि इतने सारे स्टोरीज हैं कहानियाँ हैं लेकिन गाइजेंड में आया इन सा

फर्स्ट ऑफ ऑल ना गाइज पहले uh, अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि इट इट इज समथिंग रिलेटेड टू भांगढ़ बिकॉज दे फ्यू पीपल जिन्होंने क्लेम किया कि नहीं हम देख पा रहे हैं कि भहानगढ़ से कुछ वो उठा के लेके आए हैं इन दैट केस आई थिंक हम तीनों अभी तक खत्म हो चुके होते हैं नॉट जस्ट फ्रॉम भांगड़ बट द वे डार्कअ प्लेसेज वी हैव बिन टू इन द लास्ट टेन ईयर्स इलेवन फिफ्टीन ईयर्स ऑफ आर इन्वेस्टिगेशन आई थिंक माउंट अबॉर्ट जैसे हो गया जो मैंने इंडिविजुअल केसेस में किए हैं जो आपने इंडिविजुअली the, the किया है previous investigation जो अभी तक गया नहीं, जो अभी है, that was... का, I think अगर या तो हम खत्म हो चुके और भूत यहां पर <laughs> रूह बैठी है, सब अनफिल्टर है थिंक दैट्स द होल पॉइंट टू मेक फॉर द लास्ट मेन ईयर जब कोई पूछता है मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन ऑफ एशिया आई से कि कभी हमारे साथ आओ हाँ? एंड हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली कोई टॉप रैंक हॉन्टेड लोकेशन कैसा होता है कैसा होता है कैसा yes. होता है एक्चुअली क्या फील होती है आई एम टोटली नॉट डिसरिगार्डिंग और डिसक्रेडिटिंग भांगड एट ऑल क्योंकि हमने अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया है बट आई थिंक हमारे इन्वेस्टिगेशन करियर में इतना हमने एक्सपीरियंस गेन कर लिया कि अगर हम कोई लोकेशन में घुसते हैं हमको समझ आता है कि नहीं इधर क्या है इधर क्या होने वाला है इसकी इंटेंसिटी क्या है एंड ये कौन से रैंक में यू you नो know, आएगा और, 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 मोस्ट हॉन्टेड जगह जो है ना वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं हो सकता है चांस ही नहीं है। हाँ हाँ वो रिपेल करेगा रिपेल करेगा क्योंकि आप खुद देखिए ना फॉर एग्जांपल कॉन्जरिंग हाउस कितने लोग जाते हैं वहाँ पे सेल्फी उठाने के लिए नहीं जाते हैं और इसके लिए ना टच अपॉन दिस uh, अजबगढ़ 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 में जाने का एक सीधा रास्ता नहीं है आपको गाड़ी नीचे पार्क करके काफी ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है और okay. वहाँ पर सीधा सीधा रास्ता नहीं है okay, okay. और वहाँ पर भी वैसा है कि अंदर चमगादड़ों ने पूरा अपना बस्ती बना के रखा है Man. और रिपेल करके आपको वहाँ से बाहर फेंकेगा आपको वहाँ की बू आएगी और ऐसे ऐसे दरवाजे हैं वहाँ पर जिनका कोई ये नहीं अंत नहीं है oh. ऐसे ऐसे रूम्स हैं जहाँ पर आप अंदर नहीं जा सकते हो जैसे कि गोवा का बैंडन मॉल हाँ। आप नहीं जा सकते हो वहाँ आपको अंदर नजर आ रहा है बहुत कुछ लेकिन आप जा नहीं सकते हो आपको रिपेल कर लेगा वैसा अजबगढ़ है उसके जस्ट भानगढ़ के जस्ट नजदीक में एंड अजबगढ़ वालों ने इनके ऊपर हमला बोल दिया था अभी मैं वापस से और एक पॉइंट बोलूंगा कि भानगढ़ के एंट्री में जैसे आप चल के जा रहे हो एक मार्केट प्लेस था और फिर नचनियों की हवेली थी वहाँ पर किले के स्टार्ट में कौन नचनीयों की हवेली रखेगा मतलब आप कौन सा किला बना रहे हो दैट मीन किला जो बना हुआ था इट वॉज नॉट फॉर कॉम्बैट फाइटिंग के लिए था हाँ, ही नहीं है बिकॉज एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट क्यों ऐड हो रहा है उधर राइट एट द स्टार्ट मतलब कोई हमला करने आएगा तो पहले आप नाच देख लो <laughs> शायद मन बदल जाए शायद मन बदल जाए <laughs> और फिर हाँ. आप अंदर आओ राइट आई मीन ये कौन करता है उसके बाद फिर पुरोहितों की हवेली वगैरह सब है और फिर वो अंदर है जहां पर लोग एक्चुअली जो सोल्जर्स रहेंगे फाइट करने वाले वो अंदर है उनका उनका बैरक्स अंदर है hmm. ऐसा कौन फोर्ट डिजाइन करता है hmm. राइट और फिर दूसरी बात उसकी बनावट भी जो है आप राजस्थान के हर फोर्ट देखो तो आ, येलो सैंडस्टोन के बने yeah. भानगढ़ की बनावट अलग है अजबगढ़ yeah. की बनावट अलग है उनका रॉक्स अलग है इवन जस्ट आपका प्रीवियस पॉइंट में टच करने को टेक्निकली आप देखोगे ना पुरोहितों की हवेली एंड दैट अनदर थिंग और एक चीज आपको याद है मैं उसका नाम बोल रहा हूँ लेकिन वो

बट देन वही इधर स्ट्रक्चर ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ इज़ वेरी वियर आई थिंक आई थिंक इवन जो वेबसाइट पर भी राजस्थान टूरिज्म ने जो लिखा आई थिंक उन्होंने भी वही पॉपुलर स्टोरीज़ को उठा के कंबाइन करके एक लिख दिया आई थिंक असलियत सिर्फ ए एस आई वालों को पता है अबाउट द स्ट्रक्चरल थिंग कि एक्चुअली कैसा हुआ हो क्योंकि वही लोग रिसर्च करते हैं वही लोग को ही अलाउड है चीज़ें करना एंड आई डोंट थिंक दे हैव पब्लिशेड येट सेकेंडली कमिंग टू द हॉन्टिंग स्पार्ट इट नीट्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली

Like, like we have been been saying, it needs proper investigation. Hmm. Only then which has been formed or turned into superstitions and slowly becoming myths right now. और, हटे। और, और एक चीज वो जो तांत्रिकी कोटी जो थी हाँ। वो काफी ऊपर हाइट पे थी ऊपर हाँ, यहाँ की परछाई उसके ऊपर गिरने लायक उतना लंबा तो चांस नहीं है। उतना नहीं 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 उतना मटेरियल था ही नहीं, नहीं था। नहीं वो उसको बोलते नहीं, नहीं। वो तांत्रिक की सबसे वो तांत्रिक का घर नहीं नहीं वो तांत्रिक की हवेली घर था लेकिन उसने नहीं बोला था कि मेरे उसपे परछाई नहीं पड़नी चाहिए वो बलूना बलून तो हाँ बलून दूसरा ये था

लेकिन उधर जब हम चढ़ने की कोशिश किए तो वहां पे बहुत लोगों ने स्टोरीज क्या बोली है कि बी अवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स शाम को तो चढ़ना आई I मीन mean, बनता ही नहीं है वहां हाँ। पर दिन में भी पूजा नहीं चढ़ेगी हाँ। <laughs> <laughs> वो भी है बट uh, हाँ यार इट नीड्स प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हॉन्टेड है लेकिन क्लेम्स के हिसाब से नहीं है मोस्ट हॉन्टेड एज ऑफ नाउ तो नहीं बोल सकते एशियाज एंड इंडिया फिर इंडियाज मोस्ट इंडियाड के लाइक like क्लेम्स फिलहाल आई डोंट थिंक कि उसको मोस्ट हॉन्टेड बोला जाएगा अनटिल वी आर इन्वेस्टिगेटिंग अगर कुछ हमें ऐसा मिल रहा है

मैं बोलूंगा कि वो शापित है लेकिन वो श्राप आया कहाँ से इज़ नॉट थ्रू दी स्टोरीज़ के वो रानी रत्नावती या वो बल्लू वगैरह जो भी है अजब सिंह ने ऊपर बनाने की कोशिश की और वो घिर गए नीचे एंड ऑल दिस थिंग्स मेरे ख्याल से श्राप वहाँ से नहीं आया है मेरे ख्याल से श्राप कहीं और से आया है वहाँ पर जो भी लड़ाइयाँ वगैरह हो हो चुकी हैं जैसे वो टेक ओवर हुआ है तख्त हाँ। का जो खेल था वो उसके अंदर श्राप आया है जैसे कुलधरा में था कुल्धरा में इट yeah, yeah. वॉज उन, उनका जो पलायन था hmm. जो एग्जोडस था वहां से तो उसके वजह से वो कर्स पड़े yeah. वहां पर और दूसरी बात जैसे कुलधरा में भी हमने देखा है कि वहां पर अर्थक्वेक हुआ और वहां से पानी हट गया यहाँ पर भी वही सीन है कि यहाँ पर पानी बहुत कम है hmm. उन्होंने टंके बनाए थे लाइक अजबगढ़ में अभी भी टंका है वो द टैंक इज स्टिल देर यहाँ पर टैंक ता, भी नहीं है जहाँ से उनको पानी मिले तो इसके लिए लोग वहां से पलायन करे बिग बिग विदस वहां पर रहने के लायक कुछ यही नहीं, नहीं बने वो एकर्सिस तो आग, बड़ा बड़ा। हर फोर्ट में ही फ्लो होते हैं। एक्जेक्टली सो उसको मोस्ट वो बो नहीं बोल सकते मोस्ट नहीं ने, ने, बोल ने, ने, सकते वी कांट एक्चुअली आई मीन सी आई थिंक पीपल हु डू नॉट हैव राइट इंफॉर्मेशन राइट पैरामीटर्स टू टेस्ट एंड कंक्लूड इट्स लाइक ए आप कोई मतलब uh, लाइक uh, uh, like, uh, कैसा बोले like, बोल लाइक कोई रैट को देख के बोल रहे हो इट इज़ द मोस्ट पॉइजनस रैट इवन विदाउट टेस्टिंग इट ऑन द लैब और समथिंग लाइक दैट यू नीड द राइट पैरामीटर राइट काइंड ऑफ पीपल जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं yeah. कर रहे हैं जो कुछ भी ओनली देन यू कंक्लूड एंड अगेन वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट होता है तो अच्छी बात है नहीं तो हम लोग यू नो लेव टू फिगर सम वे आउट बट इफ यू आर फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड यू कैन हेल्प अस गेट अ परमिशन टू एंटर इन साइड भांगड़ दैट विल बी अ रियली ग्रेट हेल्प लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्प यू कैन डू बट अगर नहीं है कोई भी हेल्प हम लोग बाय नो चांस हम लोग शाम में ऐसा ट्रेस पास नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे दिन में ही करेंगे कैसे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हम लोग का दिमाग खराब होने वाला है उसको लेके बट आई थिंक वी विल डू इट वेरी सोन नॉट दिस यू नो बट सोन आई थिंक वी विल इन्वेस्टिगेट इन द राइट मैनर द हॉन्टिंग्स ऑफ भांगड़ एंड फिर फिर से पॉडकास्ट करेंगे yeah. फिर बताएंगे इफ इट इज़ एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड और नॉट बट दैट्स इट गाइज आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा इट वॉज वेरी डिफरेंट एंड काफ़ी कुछ इधर उधर का था बट दैट ऑज द होल पॉइंट कि हम भांगड़ के बारे में बात करें उनकी कहानियों के बारे में बात करें उनकी हॉन्टिंग्स के बारे में बात करें एंड वट मेक्स इट द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन ऑन ऑन अर्थ बट ये है एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना लाइक like कर देना रोड टू टू हंड्रेड के तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैंने कल वाले वीडियो में बताया कि आई थिंक टू हंड्रेड के थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग एम कर रहे हैं थोड़ा सा वन फिफ्टी तक पहले एम करते हैं ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ वन फिफ्टी तक हो जाएगा कि वन फिफ्टी के है ना वन लाख फिफ्टी थाउजेंड एम करते हैं uh, जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है अभी इन अक्टूबर क्योंकि हेलोवइन मंथ चालू होने वाला है हैलोइन मतलब इट्स लाइक like, हम लोग का